हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो आज हम आपकी प्रिय पाठ्य पुस्तक तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय अमित पब्लिशिंग हाउस से जो पाठ करवाने जा रहे हैं, पाठ एक, जिसका शीर्षक है अभी है चिड़िया कहाँ रहेगी। बच्चों, ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। क्या आपने कभी चिड़िया के घोंसले को देखा है? कहाँ देखा है? चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है? पक्षियों के प्रति प्रेम एक अनूठी और पवित्र भावना है जो मनुष्य के जीवन में सौम्यता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है। पक्षियों की सुंदरता, उनके स्वभाव, उनकी आवाज़ मनुष्य के मन को शांति और संतुष्टि का अनुभव करवाती है। पक्षियों के साथ संवाद करना और उनके संरक्षण में सहयोग करना मानवता के प्रति समर्पणता का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। पक्षियों के साथ जीवन में साझा की गई इस प्रेम भावना से हम अपने आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य को समझने और सम्मान करने की क्षमता को विकसित करते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम मदद करेंगे चिड़िया रानी, डरो नहीं तुम चिड़िया रानी। हम देंगे तुमको दाना पानी, मन में तुम रखना हौसला, उसमें अंडे रखना तुम मन में, कभी ना डरना तुम। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे ये घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे ये सब बात कहेगी अब ये चिड़िया रानी कहाँ रहेगी। तो यह एक बहुत अच्छी कविता, जिसकी कवित्री थी बच्चों महादेवी वर्मा। और अब हम चल रहे हैं आगे। कठिन शब्द आंधी, झकोर, घोंसला और तिनका। आंधी का अर्थ है जोर से हवा, झकोर का अर्थ है तेज हवा का झोंका, हौसला का अर्थ है हिम्मत और घोंसला का मतलब है चिड़िया का घोंसला। बच्चों, सबसे पहले हमसे पूछा गया है जोर शोर से कौन आया। जोर शोर से बहुत तेज आंधी आई। आंधी आने से क्या टूट गई? आंधी आने से डाली टूट गई। और आंधी से क्या उड़ गया? आंधी से उसका घोंसला जो था वह चिड़िया का घोंसला उड़ गया। चिड़िया को अपने मन में क्या रखना पड़ेगा? चिड़िया को अपने मन में एक हौसला रखना पड़ेगा कि वह घोंसला दोबारा से फिर से बनाएगी। सही। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। तो हमें सही का चिन्ह लगाना है, जो सही विकल्प है। पेड़ की डाली क्यों टूट गई? आंधी के कारण, बारिश के कारण, बाढ़ के कारण या अकाल के कारण? पेड़ की डाली टूट गई थी आंधी के कारण, पेड़ की डाली टूट गई। तो मैंने यहाँ पे सही का चिन्ह लगा दिया। कवित्री चिड़िया के लिए क्या बनाना चाहती है? कवित्री चिड़िया के लिए लकड़ी का घर, मिट्टी का घर, घोंसला या गत्ते का घर? कवित्री चिड़िया के लिए घोंसला बनाना चाहती है, क्योंकि उसका घोंसला टूट गया था तो घोंसला बनाना चाहती है। और अब है कविता की दी गई पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। और बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं? और अब हम करने जा रहे हैं कविता की दी गई पंक्तियों को पूरा करें। तो जो कि मैंने कविता की दी गई पंक्तियों को पूरा कर दिया है। सब नीचे था अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, और उसके ऊपर हमें बढ़ना है किससे दुख की बात कहेगी अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। ऐसे ही है मन में तुम रखना हौसला, नीचे क्या भरना था? देंगे तिनके का बना घोंसला। तो हमने इन पंक्तियों को पूरा कर दिया है। मैं एक बार और दोहराती हूँ। किससे दुख की बात कहेगी अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी? मन में तुम रखना हौसला, देंगे तिनके का बना घोंसला। और अब है वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहले है आंधी से पेड़ उड़ गया। जी नहीं, आंधी से पेड़ नहीं उड़ा था, आंधी से तो डाल टूट गई थी। तो हमने इसके आगे क्रॉस का निशान लगा दिया। आंधी से चिड़िया के अंडे टूट गए। जी हाँ, आंधी इतनी जोर से आई कि
कि चिड़िया के अंडे जो थे वो टूट गए थे, तो हमने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। चिड़िया ने घर में घोंसला बना लिया, जी नहीं, चिड़िया ने घर में घोंसला नहीं बनाया था, क्योंकि उसके लिए तो हम कह रहे थे कि चिड़िया के घर में घोंसला चिड़िया के लिए बनाना है, तो चिड़िया ने घर में घोंसला नहीं बनाया था। जोर शोर से आंधी आई, जी हाँ, जोर शोर से आंधी आई, हम चिड़िया को तिनके का घोंसला बना देंगे, हम चिड़िया के लिए नया घोंसला तिनके का बना देंगे, तो ये सही है, ठीक। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, जिसमें है सबसे पहले डाली कैसे टूट गई। बच्चों डाली कैसे टूटी थी, इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी आई थी जिससे कि डाली जो थी वो टूट गई थी। बच्चे घर में घोंसला क्यों नहीं बना सकते, बच्चों घर में घोंसला इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि घर में बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे घोंसले के लिए जो बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है, जैसे बिजली की तार, पंखा चलते हैं, पंखा भी चलता है तो जिससे भी वो जो उसके तिनके होते हैं वो उड़ जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे वो घोंसला घर में नहीं बन सकता है। चिड़िया रानी की मदद कौन करेगा, चिड़िया रानी की मदद बच्चे करेंगे और जो कवित्री है वो करेगी और हम करेंगे चिड़िया की मदद उसका नया घोंसला बनाने में। हम क्या क्या करके चिड़िया की मदद कर सकते हैं, बच्चों हम चिड़िया की मदद कर सकते हैं, उसको किसी कोई जानवर है जिससे वो डरती है, जैसे बिल्ली है या कुत्ता है, कुछ भी है, हम उससे भी उसका बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे गर्मियों में जब बहुत तेज़ गर्मी होती है बच्चों, तो हम चिड़िया रानी के लिए हम कहीं भी किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर हम एक बर्तन में पानी भी रख सकते हैं जिससे वह अपनी प्यास भी बुझा सकती है, चिड़िया को हम दाना भी डाल सकते हैं, इस प्रकार हम चिड़िया रानी की मदद भी कर सकते हैं। जो इसके साथ हमारी ये वाली कविता यहीं समाप्त हुई है, आशा करती हूँ आपने इससे कुछ सीखा होगा। नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आते हैं, तब तक के लिए आभार।